चल निकल अब। Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in another vlog. घर से हम निकल तो गए घूमने के लिए, लेकिन आज बहुत भयंकर धूप हो रही है और कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, दो दिन से बारिश बारिश बाढ़ आ गई पूरे उत्तराखंड में, और आज इतनी धूप हो रही है कि मैं लिटरली जल रहा हूँ और वो पीछे हवा भरा रहा है। चलते हैं, देखते हैं कितना जलते हैं और कितना हम चलते हैं। गाइज, यहाँ पे कल बाढ़ आ गई थी बहुत गंदी वाली, तो इधर से जाने नहीं दे रहे हैं। अब ये फ्लाईओवर सही टाइम पे हमारा रेडी हो गया है, जल्दी जल्दी बनाया है इन्होंने। ये देखो, ये अभी प्रॉपर सही नहीं हो पाया है, वो देखो कितनी बड़ी बाढ़ आ गई थी। ये पानी इतना ज़्यादा आ गया था कि रोड टूट गई नीचे वाली, तो इसलिए अभी इन्होंने फ्लाईओवर खोल दिया इमरजेंसी में। अरे भाई साहब, बवंडर मचा देंगे, बवंडर बवंडर। Guys, we are waiting for Arjun best, और हमेशा की तरह ये आज भी लेट है। मरने वाला था तो आज। नमस्ते। नमस्ते। वीडियो पर शूट चल रहा है? शर्म नहीं आ रही? अरे तो ये आ गए सर और अर्जुन। दुकान बंद करवाएंगे क्या भैया की? बंद कर। इतनी देर कैसे हुई आपको? तुझे हुई है देर? मैं कम से कम इसने लगाई देर सब। अबे डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर, ओए डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहे, ब्लॉग में बात कर। डायरेक्ट ब्लॉगर जब आपस में टकराते तो ये होता है दोस्तों। प्यास लगी है रास्ते में, गर्मी इतनी हो रही, कल तो बाढ़ यार भाई देखी थी गिरा दे तूने। ये देखो बस है ना, गर्मी, ट्रैफिक और ये इरिटेटिंग साउंड। बंद हो गया, प्यास लगी अगेन। दे दे भाई पानी दे दे सारा, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट बचा है बस। रुचि का कॉलेज, कालीन भैया बैठे हैं। पानी देखो, कल जो बारिश आई है देखो, रास्ते की हालत खराब हो चुकी है। हालत देखो रास्ते की, पहाड़ गिरे हुए, ऐसा हाल हो जाता है हमारे यहाँ। गाइस हम लोग सुबह से चल रहे हैं और हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं यार। बस तेरी याद। चल भाई खजाना ले लो, तू क्या ले रहा? और कोल्ड ड्रिंक तो नहीं लेनी? ठंडा हो रहा है इसलिए पानी ले ले, वहाँ पानी नहीं हो। एक पानी ले लो, ये भी रख, स्कूटी में रख दे कहीं पे। क्या ले रहे हो? स्कूटी लेंगे, स्कूटी में बोला। कोक ले ले, एक जो मन कर रहा है लो, पिएगा ना? एक कोक दे दो, मैं नहीं पीऊंगा। वे कोक हम भी लेंगे, लेने से पहले ही खा रहे हो तुम, पहले चल तो लो। अरे तो वो है, ये क्या है? सांप, नागराजा वाला मंदिर। तू वहां का जा रहा कोक लेके? आ जा वापस, वापस आ जा, चल निकल अब। गाइस अभी हम थोड़ा रास्ता ढूंढ रहे हैं, चलो समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है, पर देखते हैं। मौसम देखो कैसा हो गया, चल बे यार वापस भी नहीं आ पाएंगे यहाँ से। ओ सॉरी क्या बोल दिया मैंने, नहीं है यार इधर हो जाएगा। बस रोकना मत आप, नहीं तो वाइट शूज येलो हो जाएंगे पूरे। गाइस हमें आज रास्ता नहीं मिल रहा है और हम जा रहे हैं ऐसे अंधाधुंध कहीं भी। वो देखो देखो क्या बढ़िया जगह, धक्का दे धक्का दे, इसीलिए लेके आया मुझे धक्का देने के। तू सच में देखा क्या? बैठेगा बैठ नहीं रहा, फोन फोन गिरेगा, बैठ जल्दी ले पकड़। देखो 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 जल्दी देखो, मैं तो बड़ा यहीं ना है, यहाँ डूब के चल लेते हैं। गाइस यहाँ देखिए, जगह देखिए, दिस इज इनसेन ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर। दोस्तों ये देखो जो रास्ता, देखा कैसे डाइव मारी मैंने, ये देखो
बहुत भयंकर कूदे। गाइस मतलब ऐसा नजारा मैंने तो आज तक नहीं देखा। पानी उड़ रहा है भाई, उड़ रहा है, ऐसे हवा आ रही है और पानी भी आ रहा है। और ये देखो हम पूरे भीग गए, पता भी नहीं चला हमें। चलो हम लोग पहले सोच रहे थे जाएं ना जाएं, लेकिन फिर हमने सोचा कि जब आए तो दोबारा वापस तो आया नहीं जाता, तो इसलिए हम चले गए। और वहाँ यहाँ से देख के ऐसा पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे इतनी हवा आ रही है और इतनी खतरनाक हवा आ रही है, पूरे भीगे थे इसके कपड़े उतर के बेचारे के। जैसे मैंने रोक इधर ही है भाई, अब जो भी है। गाइज अभी हमारे साथ बहुत गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि हम जिस जगह की उम्मीद में आए थे वो जगह ही हमें नहीं मिल पाई और हम तब से भटक रहे हैं। और हम बस चल रहे हैं क्योंकि बीच में एक भाई जी आ गए, पता नहीं कौन से भाई जी थे वो। उन्होंने बोला आप गलत जा रहे हो, आप इधर से जाना और देहरादून भी आपको पास पड़ेगा और जहाँ आप घूमने जा रहे हो वो जगह भी आपको पास पड़ेगी। हम जब से चल रहे हैं वो जगह तो पाताल लोग में है या कहाँ है, वो तो खोगी पूरी जगह, और देहरादून पहुँच ही नहीं पा रहे। तो अभी हम अपने कुरकुरे चिप्स यहीं बैठ के खा लेंगे यार। ये ले लूँ क्या, सही लग रहा है? ले लिया यार मैंने, मस्त लग रहा था, इन्होंने बोला तो मैंने ले लिया। चलो भाई कुछ खाने चलते हैं। गाइस अभी हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए। एक बार फिर से बोल दो, ये इसका अपना ही चल रहा है। नींद आ रही है आपको? 50 मिनट हो गए हमारा खाना ही नहीं आ रहा है। ये देखो प्लेटें खाली, मुझसे खाना खाया नहीं गया। इतना ज़्यादा ऑयल डाला हुआ है इन्होंने, तो इसलिए मैंने खाना ही नहीं खाया। पूरे ब्लॉग की धज्जी उड़ चुकी है और पता नहीं ये ब्लॉग डलेगा कि नहीं डलेगा, एडिट क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आ गया तो देख लेना और नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं घर जाने तक का वेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हालत थोड़ी ख़राब, मैं सो जाऊंगा घर जाके। और मजे करो, टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना यार। बाय।